Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. हेलो 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 कृपया विराजमान हो जाइए अर्चना जी आपको एक खबर मिली क्या हमारे इंडियन कुजीन को वर्ल्ड में पांचवां स्थान मिला है जोरदार तालियां होनी चाहिए हालांकि जो ऊपर के चार कुजीन जिनको प्राइज मिले हैं वो भी हम ही ने खाका के मशहूर किए हैं क्योंकि हमारी इंडियन लोगों की रवायत है बाहर से कोई भी चीज आ जाए ना उसे हम तब तक खाते रहते हैं जब तक हमारे एक्सरे में ना आ जाए वो फॉरनर लोग तो एयरपोर्ट पे इसलिए पकड़े जाते हैं ना कि लगेज में कोई मेटल की चीज आ गई है हमारे लोग इसलिए पकड़े जाते हैं पेट में आ रहे हैं लेके चल रहे हैं पालक इतना खा चुके हैं पंजाबी लोगों को उनके सूट देख के आइडिया लगा सकते हो कि शादी में जा रहे हैं कि आ रहे हैं कैसे अगर तो बटन बंद है बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहे हैं तो समझो जा रहे हैं अगर बटन खुले हैं शर्ट बाहर है और मुंह ऐसे है तो समझो ये आ रहे हैं मैं अभी नए साल पे अमृतसर गया था वहां का खाना पीना तो आपको पता है वर्ल्ड फेमस है मैंने देखा आदमी जैसा खाना खाता ना उसकी बॉडी रिएक्शन भी वैसे देती है जैसे सुबह सुबह कोई फ्रूट खा के योगर्ट खा के बाहर निकला ना उसका आप पूछा हाय हाउ आर यू वेरी कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ क्योंकि एकदम दिमाग अलर्ट रहता है और वही जो पराठे पेल के आया ना मक्खन के साथ उसको पूछो कहाँ से आ रहे उसका 4-5 सेकंड पॉज के बाद रिएक्शन आता है कहाँ से आ रहे भाई साहब कहाँ से आ रहे हो खाना खा के यहाँ तक तो खाना बड़ा बड़ा होता है उनके जिंदगी का सबसे बड़ा सुख जो होता है वो खाने का ही होता है और ऊपर से अगर फ्री का मिल जाए तो आप तो जानती हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा अच्छा कई बार ना खाना बनाने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी करामात दिखाते हैं मैंने एक आदमी को देखा डोसा बना के ना ऐसे छुरी से लेके कड़क करके ऐसे उड़ाया और दूसरा आदमी प्लेट से पकड़ रहा है प्लेट से पकड़ के कस्टमर कहता है मैंने देखा डोसा फेंकने वाले से ज्यादा पकड़ने वाले की टाइमिंग जरूरी है क्योंकि अगर उसकी टाइमिंग गलत हो गई तो जिसने ऑर्डर किया डोसा सीधा उसके मुंह पे छपेगा जाके तो ये बड़ा जरूरी होता है फिर वो तवे से भी ज्यादा गरम गरम गालियां देके जाएगा आपको खाना इतना इंपॉर्टेंट चीज है पहले तो जब शादी के लिए जाते थे ना तो पहले ये देखते थे लड़की बना क्या क्या लेती है और शादी के 2-3 महीने के बाद अगर लड़के का पेट थोड़ा सा निकला दिख जाए तो समझ जाते थे कि लड़का खुश है और अगर लड़की का दिख जाए तो समझ जाओ दोनों खुश है हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है ना हम हर ओकेजन पे खाने की बात करते हैं बच्चे का जन्म हो तब खाने में क्या बनाना है उसके मुंडन हो तब नामकरण संस्कार है तब अच्छा दुनिया से कुछ चला जाए तब बैठे बैठे भी खाना ये डिस्कस कर रहे होते हैं 13वीं पे वो बना लेना पापा जी को रसमलाई बड़ी पसंद थी जब मेरे यहाँ आते तो कड़ी पकौड़ी खाते थे जिस जिसको जो जो पसंद होता अपने अपने ऑर्डर देता है पापा जी वो भी बड़ा खाते थे उल्टे छोले वो भी बनवा लेना और पापा जी फोटो फ्रेम में लगे सोच रहे होते कमबख्तो जब मेरा मेन्यू पता था तो मुझे सारी उम्र दाल क्यों खिलाई मुझे पहले बादाम का हलवा खिला देते तो मैं दुनिया से जाता अर्चना जी आज मैं खाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोनी पे नया शो आया है मास्टर शेफ और उसको जज कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के 3 सेलिब्रिटी शेफ और आज हमारे बीच शो के 3 जज आए हुए हैं तो चलिए उन्हें बुला लेते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विकास खन्ना मिसेस गरिमा अरोड़ा और मिस्टर रणवीर बरार विकास पाजी रणवीर पाजी गरिमा जी आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नए सीजन की ढेर सारी बधाइयां आपको अच्छा ये तीनों हमारे सेलिब्रिटी जज हैं हमारे मास्टर शेफ के जज हैं आपको पता है आपके साथ शुरू करने से पहले अर्चना जी के साथ मास्टर शेफ का एक पायलट शूट हुआ था एक एपिसोड हाँ। जैसे तो आप खा के बता देते हैं एक ही सेकंड में कि खाना अच्छा बना या नहीं इनको रखा ना जब तो ये खाना तो पूरा ही खा गई उसके बाद कहती इतनी जल्दी मैं कैसे बताऊं कम से कम 2 महीने मेरे घर पे आके खाना बनाओ परमीत सर भी पहले 2 महीने इनके घर खाना बनाने आते रहे फिर 2 के 4 महीने हो गए बिल ज्यादा बन गया फिर कहती है पैसे तो है नहीं मेरे पास तुम मुझसे शादी कर लो ओह अच्छा वो ये आपके साथ जज नहीं बनी आपके साथ जज बनती तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलता आपको पता जब से ये सीजन शुरू हुआ ये इतना खाती है मैं आपको सबूत देता हूँ मैं आपको दिखाई जरा आपके सारे सबूत है हाँ जी देखो
This is horrible. Oh my God. आपने पिस्ता फिनिश कर लिया जो रखा होगा आप खा ये जो ऊपर है ना हरे रंग का डिब्बा वो नहीं खाना अंदर वाला ही खाना बस पृथ्वीराज चौहान आएगी जी जनवरी में आ जाएगी जी मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी और बीच में एक कौन गिरा गिलास गिरा आपका बोतल देख लो सारी गिर ना जाए मैं कहा फिर लोड की सी क्या जरूरत थी सोनी को मास्टर शेफ लाने की मास्टर शेफ तो बन रहा है यहाँ पे देखो मैं जब से सीजन शुरू हुआ 4.25 लाख के भुने हुए चने खा गई है अच्छा इन तीनों में काफी सारी चीजें कॉमन है एक तो ये सुपरस्टार शेफ्स हैं दूसरा तीनों ही पंजाबी हैं ये है ना और पंजाबियों का रिश्ता क्या पराठे और मक्खन के जैसा होता है दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है तो ये शेफ बनना आपकी नेचुरल चॉइस थी या आपको कोई खाना देने में लेट कर रहा था आपने कहा हम खुद ही बन जाते हैं सर ये जब शेफ बन जाते हैं ना उसके बाद तो आपका खाना हमेशा ही लेट आता है अच्छा जी तो ये बड़ी गलत फहमी है कि खाना देने में लेट करके शेफ बन गया आप शेफ बन जाओ सारे जाते हैं बोलते हैं अरे वो आया खाने को रुको रुको मैं भी बनाऊंगा नहीं रुको मैं भी बनाऊंगा अब आदमी बैठा होता है कि खाना दे दो बस दे दो रोटी सब्जी दे दो हमारा हो जाएगा ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है हर बार आपने देखा होगा मास्टर शेफ में तीनों जो जजेस होते हैं वो मेल होते हैं इस बार गरिमा जी को बुलाया गया ताकि ये दोनों इस बार गरिमा को लाया गया है ताकि ये दोनों भी टाइम पे आए और शूट जो है टाइम पे शुरू हो सके सबसे पहले शूट पे मैं आता हूँ दीवा यहाँ पे एक ही जिसे बेबी कहते हैं बेबी मैं नहीं हूँ नहीं 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 ऐसे नहीं होता सुबह सुबह सेट पे होता है बेबी के लिए कॉफी लाओ सडनली मेरे सामने पहली बार जब मैं सेट पे गई बेबी के लिए कॉफी लेके आओ मेरे सामने किसी ने कॉफी रख दी मैंने तो नहीं मंगाई बेबी के लिए एग वाइट एक ही बेबी है सेट पे वो है ये तो मेरे नाम पे बिल फाड़ते हैं एक ही बेबी है सेट पे और आप ये सोचो हम लोग ऐसे ही खड़े होते हैं शो में ठीक है विकास सबसे पहले आके क्या देखते हैं कि मैं रणवीर से छोटा तो नहीं लग रहा अगर छोटे लग रहे होते तो फिर फटाफट से जूते चेंज होते हैं ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता अच्छा हुआ गरिमा आप मास्टर शेफ में आई पता क्या दुनिया को पता चले कि महिलाएं आज भी खाना बना लेती हैं सिर्फ खाती नहीं बैठ के कि नहीं मतलब लोगों को मैं आपकी सलाह ले रहा हूँ वैसे बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान में तो स्पेशली ही मतलब औरतें खाना बनाती हैं घर पे लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन तो फिर मर्द ही क्यों खाना बनाते हैं घर में भी बनाओ यार हैं बहुत अच्छा सवाल है बिल्कुल सही मुझे लगता है कि मैट्रिमोनीज इंडिया में चेंज होनी चाहिए लड़कियों को ये डालना चाहिए कि लड़का अच्छा कुक हो तभी मैं शादी करूंगी बिल्कुल ये कंडीशन होनी चाहिए पर आपको क्या ना तो आप बाहर बनाती ना घर बनाती आप तो मजे लो अपनी जिंदगी के ये ना इनका अंदर का फेमिनिज्म जाग जाता है जब कोई ऐसी बात करे ना कि लड़कियां खाना क्यों लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए अरे खाना बनाना बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड लेवल पे देखो कितने कितने बड़े अवार्ड लेके आई गरिमा जोरदार तालियां होनी चाहिए कभी कभी महिलाओं को खाना बना लेना चाहिए समझ में आया महिला हाँ लेकिन मुझे खाना खाने का बड़ा अवार्ड मिलेगा पता नहीं ये तो है देखा ना तूने कितनी बार हाथ खाली रहे तो कुछ बनाओगे आप जी, आप अर्चना जी के भी स्टूडेंट रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि मैंने देखा है मास्टर शेफ के ऑलमोस्ट सब सीजन में आप जज रहे हैं तो एक बार कुर्सी पकड़ी तो नहीं छोड़नी ये आपने किन से सीखा है इनसे लव यू डोंट लीव दैट सीन आप दोनों ने पैक किया मुझे सलाह दे रहे हैं सीट नहीं छोड़नी देखा फिल्म स्टार्स को बैठे बैठे मिल लेती है शेफ फाइन को पता खाना पीने का वाह जी वाह विकास भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फेमस शेफ तो हैं ही वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल शेफ में इनका नाम आता है शेफ की दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड होते हैं मिशलिन स्टार उस अवार्ड से भाई साहब को 6 बार नवाजा जा चुका है इसके अलावा ये एक्टर हैं राइटर हैं डायरेक्टर हैं फिलान्थ्रोपिस्ट हैं पता नहीं क्या क्या हैं मेरे को एक बात बताइए जब आपके घर के वॉश बेसिन की टूटी खराब होती है प्लम्बर बुलाते हैं कि वो भी ठीक कर लेते हैं कितना क्या क्या है आपके अंदर और डिपेंड करता है उस समय क्या चल रहा है टाइम में अच्छा अगर गरीबी चल रही है तो फिर खुद ही करना पड़ता है अमीरी अच्छा। है तो फिर फोन कर देते हैं क्या बात है विकास भाई ये मिशलिन स्टार कैसे मिलता है जब एक रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत बड़े एक अवार्ड है ये एक गाइड है
फ्रांस से चलती है जो 100 साल पुरानी है. अच्छा जी. तो उन्होंने गाइड बनाए थे, मिशलिन टायर वाले नहीं है जो. हाँ, the tire people, they made this. The tire में. तो उन्होंने कहा था कि लोग ट्रैवल करें खाने के लिए और बिकॉज मैंने टायर बिकेंगे. तो गाइड शुरू हुई थी 100 साल पहले फ्रांस में. और बहुत ही अजीब बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तानी शेफ को 2000 में मिला था, यानी कि 80 साल तक किसी इंडियन शेफ को अवार्ड नहीं मिला था. एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. हु वाज द फर्स्ट इंडियन? विनीत भाटिया लंदन में. तो आई थिंक लंदन में क्योंकि इंडियन फूड का रुबाब बहुत था, पर व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग इन अमेरिका तो तब इंडियन फूड का इतना नहीं था. एंड 2011 में जब मुझे मिला तो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर इन अमेरिकन हिस्ट्री टू विन दिस अवार्ड. वाओ, क्या बात है. सो सो प्राउड ऑफ यू. And then Garima became the first female chef, wow. Indian, wow. in the world to win this. और ये मेरे जन्मदिन वाले जीते थी. मेरा जन्मदिन था उस दिन, मैं कभी नहीं भूलूंगा. 2018 नवंबर 14 को न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे अनाउंस हुआ था कि Garima has won Michelin star. मेरी बीवी का भी जन्मदिन था उस दिन. Is that right? देखो आप, मेरा भी है. Lucky for me. Lucky for you. अच्छा Garima इंडिया की पहली महिला शेफ तो हैं जिनको मिशलिन स्टार मिला है. 2019 में इनको एशियाज बेस्ट फीमेल शेफ का अवार्ड मिला. Wow. और इस सीजन में ये मास्टर शेफ में जज बन के टीवी में डेब्यू कर रही हैं. अच्छा ये सब तो आपको खाना बनाने के बाद मिला, इतनी मेहनत के बाद. पर सुना है हमारे शो पे आने के लिए आपने कई साल व्रत भी रखे. आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत प्यारी लग रही हैं आप. आइए विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए. गरिमा, नॉर्मली हमारे घरों में देखा गया जो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने पति को कभी कभी फोन करके पूछती है ना कि खाने में क्या बनाऊं. आप तो खुद शेफ हैं, तो आप खुद डिसाइड करती हैं कि आप भी कभी कभी पति को फोन करती हैं आप? हमारा फ्रिज हमेशा खाली होता है. वी आर द पुअरेस्ट ऑफ ईटर्स. अच्छा जी. पहले सबको खिलाना होता है, फिर जब तक हमारी बारी आती है तब तक वी आर नॉट हंग्री. तो अगर आप मेरा फ्रिज खोलोगे उसमें कुछ खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. 2 दिन पुराने पिज्जा बॉक्सेस मिलते हैं, बस दैट्स इट. इज दैट ट्रू फॉर एवरीबॉडी? नो, नॉट फॉर मी. नहीं ना, आई एम ओवर डाइट कॉन्शियस. तो मैं अपना पूरा दिन का पूरा प्लान करता हूँ. मैं छोटे से पप्पी की तरह हूँ. मैं सेम खाना खाता हूँ रोज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर. क्या क्या खाते हो आप सुबह? सुबह मैं खाता हूँ ओट्स और साथ में आमंड मिल्क. Okay. और फिर साथ में कोल्ड कॉफी. और अगर अमृतसर में हूँ तो परांठे खाने मस्त हैं, वरना मम्मा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं मेरे को. मम्मा यहाँ बैठे हैं. अरे बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका. लंच में जनरली रोस्टेड वेजिटेबल्स, लेस ऑन कार्ब्स. फिर डिनर मैं जल्दी खाता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस मौके हमारे पास. जल्दी कितने? दोपहर को 3 बजे खा लेते हैं. अमेरिका में एक्चुअली 6 बजे डिनर हो जाता है लोगों का. 5:30. आई ट्राई टू ईट डिनर बिफोर 9 o'clock, क्योंकि मुझे लगता है खाना खाने में और सोने में एटलीस्ट 3 घंटे का अंतर होना चाहिए. जरूर. तो बहुत लोग गलती सुना करते. ये नहीं कि सोने के 3 घंटे बाद खाओ. सोते सोते भी खाओ. सोते खाओ. Garima आप इतनी प्यारी हैं, आपकी जब शादी हुई थी तो आपने फोटो भेजा था कि समोसे बना के भेज के वहीं पे ओके हो गया था. नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ एक ही बारी खाना बनाया था. अच्छा जी. हमारी फर्स्ट डेट पे. अच्छा. उसके बाद मैंने कभी नहीं बनाया. आपके हस्बैंड पायलट है ना? हाँ जी. ओ, वो रहे. अब आओ भी आए हैं. अरे जहाज कहाँ पार्किंग कर रहे हो? बहुत बहुत स्वागत है पायलट साहब. रणवीर बराड़ साहब के बारे में बता दूं, ये अपनी कुकिंग की वजह से जेल भी होके आए हैं. मतलब अरेस्ट नहीं हुए थे, जेल के कुक्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे. अच्छा. और जब ये ट्रेनिंग दे के आए उसके बाद हमें सुनने में मिला है कि जिन कैदियों की पनिशमेंट पूरी हो चुकी है उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि हमें 2 महीने रहने दिया जाए. पाजी वो क्या किस्सा था? मतलब आपको कैसे मन में आया कि मैं जेल में जाके कुकिंग सिखा के? पाजी, यूपी में 3 आदर्श कारागार है, मॉडल जेल जिनको हम बोलते हैं. अच्छा जी. वहां पर जो इनमेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके एक नॉर्मल लाइफ जी सकें. मुझे लगा यू नो सेकंड चांसेस की अगर हम बात करते हैं तो खाने से बड़ा सेकंड चांस देने वाला मीडियम कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली. तो हम अभी भी जाते हैं वहाँ पर, ट्रेन करते हैं. मेरे शेफ्स वहाँ पर हैं. अच्छा जी. और उसका जो नाम है जो DIG प्रेजेंट साहब उन्होंने रखा है वो है जेल की रोटी. अच्छा जी. और उसकी बात भी वैसे ही कर रहे हैं और बर्गर्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं और होटलों में जा रहे हैं वो. अच्छा जी. क्योंकि उनको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप एक जेल के अंदर है लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया आपका खाना खा रही है और तारीफ कर रही है. वो कॉन्फिडेंस, वो जो है ना कि समाज में जुड़ने की जो इच्छा है वहीं से आ जाती है. आई एम एक्सेप्टेड बिकॉज माई फूड इज एक्सेप्टेड. क्या बात है, बहुत अच्छी बात. अच्छा विकास पाजी इतने हैंडसम है, इतने पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल पे, इतने साल से खाना बना रहे हैं. आपने कभी सोचा नहीं इतने साल से खाना बना रहा हूँ
थोड़ा सा टाइम निकाल के फैमिली भी बना लेता मैं कभी, है? आपको कोई पसंद नहीं आई कि बहुत सारी पसंद है इसलिए कंफ्यूज है? कह सकते हो. आई थिंक क्या होता है कि शेफ की जो लाइफ है बहुत डिमांडिंग रहती है. और जब आप कुकिंग करते हो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किलें आती है, स्पेशली कंट्री लाइक अमेरिका. Right. तो आपके इतने साल अपने आपको एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं, तो मेरे को लगता है शायद मैं बताता हूँ. ये सारी अंग्रेजी पंग्रेजी शेफ वेस्टर्न लाइफ, इसको कोई नहीं झेल सकता मेरे सिवा. रियलिटी ये ठीक है, आप जा रहे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से सर को लगा कि नहीं हम सही नहीं जा रहे. अच्छा ड्राइवर है गोवा में, उसे पता है ड्राइवर गोवा का है. नहीं हम सही नहीं जा रहे, तू बॉम्बे लेके जा रहे हमको. अच्छा नहीं नहीं बैठ जा बैठ जा. अभी ऐसे को कौन बेचारी झेलेगी दो हफ्ते से ज्यादा. है देखो परफेक्शनिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है. मैं हर चीज पाजी परफेक्शनिस्ट नहीं की कहते उन्होंने पंजाबी च दस टिड्डा. तो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ लेफ्ट किधर आपका? इधर खब्बा सच्चा. हाँ लिख के पहले करते थे. हाँ तो राइट मतलब मैं ड्राइवर कह रहा हूँ तू गलत मुड़ा है. मैं अपनी सियाणा बन रहा था तो फिर लड़ाई होगी थोड़ी मारी. पाजी शूट चल रहा होता है ठीक है, शूट चल रहा है, विकास ऐसे खड़ा है ठीक है. विकास को बोलते विकास मर जा राइट हुई. तो हम लोग पंजाबी चलती है सेट पे, तो कैमरा पे टेक चल रहा है, थ्री शॉट लगा हुआ है, विकास पहले ऐसे कर रहा है. मैं देखता हूँ कौन से हाथ से लिख सकता हूँ. मतलब लाइव मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि तीन जज हैं, एक को क्या हो गया. पर मैंने किस्सा सुना, बोलता आप किसी होटल में गए, वहां शादी हो रही थी. हाँ. और लड़की जो थी आपको देख के अपने दूल्हे को छोड़ के भाग के आपके पास आ गई. नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं हुआ, मेरे सामने हुआ था ये, मेरे सामने हुआ था ये. हम लोग बैठे थे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो दूल्हा दुल्हन वहां से आए एंड सडनली ना उसकी आईज, आई सॉ हर आईज ना लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिम ऑन शेफ. नो नो प्लीज. एंड वो वीडियोग्राफर ऐसे था सामने, शी बी लाइन सीधा हमारे टेबल पे, पीछे पीछे उसका वीडियोग्राफर भी साथ में. लड़के ने बड़े प्यार से कहा, मैं कहा चलो चलो रूम में चलो, तो मुझे कहता आप भी चलो साथ में. वो हुआ था. वो तो उसके बाद हुआ था. वो भी कैमरा पे था. शादी टूटी इज अ फैक्ट ठीक है. पिछले सीजन में क्या हुआ, हमने बोला कि भाई मास्टर शेफ है, एक बार हम शादी पे सारे कंटेस्टेंट्स खाना बनाए. अच्छा दो लोगों की शादी थी, तो उन्होंने बोला यार हमारी शादी में पता नहीं तुम लोग कैसा होना, लेकिन हम तुम्हारे सामने एक एपिसोड कर लेते हैं. शादी हमारी एक हफ्ते बाद है. अच्छा ठीक है. तो वो जी एपिसोड हुआ, विकास ने उस शादी में डांस किया और वो शादी टूट गई. एक हफ्ते बाद असली शादी हुई नहीं. क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डांस किया. दुल्हन ने कहा जब ऐसा बंदा मिल सकता तो मैं ऐसे के साथ शादी क्यों करूं. ये नहीं हुआ था. अच्छा तो विकास आप बताओ कि असली रीजन क्या था टूटने का. तो वो मुझे पूछ रही थी, तो मैं कहा देखा, मैं वो लड़की को बोला मैं भड़का नहीं रहा था, मैं चाय नहीं हूँ. मैंने कहा देख तो ये खाना बनाता है ये. तो लड़का कहता मैं तो कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया आज तक. मैं कहा इन लड़कों ने बाद में बड़ा तंग करना होता है, मैं उसको भड़का रहा था. और क्या होता है भड़काना, पूरी आग लगा के आए आप. इन लड़कों को बाद में बड़ा, मैं क्या इसको चूल्हे में आग लगानी आती तो पूरी उम्र इसे रोटियां बनाएगी, काले ग्लास उठाएगी. तो उसको लगा एक बार सेकंड थॉट कर लो. तो कहती आप, मैं क्या मैं तो आगे से आप ना अपने विजिटिंग कार्ड छुपाओ, हम अच्छा खाना बनाने के साथ घर भी तुड़वाते हैं. कभी ऐसा हुआ आप घर से आलू गोभी खा के गए हो और सामने शो में भी कंटेस्टेंट ने आलू गोभी बना दी हो और आपने गुस्से में रिजेक्ट कर दिया हो कि दो टाइम आलू गोभी कौन खाए. हुआ ऐसे कभी? My God. ओहो भाई आप चौथे जज बन जाओ, मास्टर शेफ पंजाब कर लेंगे हम लोग. हुआ है पता है क्या, कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार बात सुन, आज ना रात को मटर की सब्जी बनानी है, आज एक चैलेंज करते हैं, सारों को मटर दो कौन जल्दी छील लेगा. इसी बहाने वाले मटर छिल जाएंगे. ऐसे ख्याल तो मन में अक्सर आए आए किया नहीं ठीक है. उसके बाद सेम चीज, सुबह सुबह खाया और फिर यही बना दिया. और ये पहले बहुत तारीफ करेंगे, फिर जैसे ही घूमेंगे ना कैमरा से ऑफ होंगे, आज सुबह मैंने यही खाई. अच्छा कई तो जिद्दी भी होते हैं. हाँ? जैसे आपके आगे किसी ने खाना बना के रखा हो और आपने कहा हो कि इसमें जीरा आपने ज्यादा डाल दिया है, और उसने कहा हो कि हमारा शहर में खाते ही ज्यादा है जी. उसके लिए मैं जाऊंगी नहीं. मैंने कहा आपका मास्टर शेफ का सफर यही खत्म होता है. कहती तू कौन है? डायरेक्टर बोला नहीं इनको आराम से निकाल दे. कहती मैं तेरी गाल नहीं सुनती, तो कर ले जो करना है.
अब मेरे को समझ रहा है मैं पतला सा बेचारा वहां पे खड़ा. मैं क्या थोड़ी देर रुक जाओ फिर. और कहते नहीं बस हो गया उसका सफर. उसके लिए इस सीजन में हमने गरिमा इनको रखा है. जो बोलता है मेरा जीरा ठीक है मैडम ऐसे करती है बस ऐसे. अच्छा वाह. नहीं होते हैं सेट अप से ना. मैं सैंडविच बन जाती हूँ और कुछ नहीं है. कैन इमेजिन मेरे साथ क्या होता होगा सेट पे. पर वो जो ना सलमान भाई के पापा सलीम साहब तो उनके घर में जो कुक हैं सलाम. हाँ. उन्होंने बोला कि यार एक दिन वो सब्जी बना के लाया तो मैंने कहा सलाम इसमें नमक ज्यादा है. तो बोलता साहब मैं ज्यादा ही खाता हूँ. मैं कहा आपको भी ऐसे मिलते होंगे. अच्छा आप शेफ लोगों का हमने देखा बच्चे को खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे तो आलू की सब्जी बहुत बनी पड़ी थी. तो मेरा दोस्त कहता देखना सुबह पराठे आएंगे. वो वाकई सुबह पराठे आ गए. तो मैं सोच रहा था कि अगर पराठे भी बच जाएं तो उसका भी फिर कुछ कर लेते हैं. उसका इलाज ना हमारी मम्मियां बताएंगी. एक्चुअली ये पराठों का जुगाड़ ही पंजाबी मम्मियों ने बनाया रात की सब्जी को सुबह निकालने के लिए रिसाइकिल करने. सिर्फ पंजाबी नहीं मतलब आई थिंक मोस्ट कल्चर्स में दाल बची तो भर दी. आई थिंक इट्स अ रीसाइक्लिंग अमेजिंग आइडिया. आई थिंक पाजी एक बात पूछनी थी. थोड़ा शो से अलग हटके सवाल थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है. ये जो रसगुल्ला होता है इसको किस हद तक निचोड़ा जाए कि इसकी मर्यादा भी बनी रहे और स्वाद भी ना जाए. ये सवाल जो है बड़ा बड़ा जरूरी है. बस आप ऐसे निचोड़ो कि बस मुंह में गिरते टाइम ना रस ना गिरे. इतनी बेइज्जती ना हो. जैसे उस दिन अर्चना जी ने पूरा निचोड़ा बिल्कुल उसकी सिर्फ रुई रुई बच गई. वो खा के बोलती ये तो मैं फिर उठाया करती. अच्छा खाने को लेकर बड़ी लोग बातें करते रहते हैं. कोई लोग बोलते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए. कोई कहता है खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए. हाँ. कोई कहता है खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए. कब पीना चाहिए पानी? सर एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाने के पहले जी का पानी अमृत. अच्छा जी. खाने के साथ का पानी आनंद. हाँ. खाने के इमिजिएटली तुरंत बाद का पानी जहर. अच्छा जी. और खाने के घंटे भर बाद का पानी बल है ताकत. अच्छा. तो इमिजिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए. और जब खा रहे हैं तो थोड़ा 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 साथ में पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. अब आपने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा तो मैंने इंटेलेक्चुअल. नहीं नहीं अच्छी बात है. हमारे दर्शकों को हंसने के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी मिले. तो पाजी आप सब लोग कभी किसी के लोग बुलाते होंगे डिनर के लिए तो आपको पका पकाया खाना मिलता है कच्चा सामान रख देते हैं कि बाप से अच्छा कौन बना सकता है. लोग मेरी मॉम तो ट्राई तो करती है. इन्होंने संजीव कपूर साहब को अपने घर बुलाया एक बार. बोले संजीव अंदर आके देखना गाजर का हलवा सही बन रहा है. वो अंदर गए उन्होंने किचन लॉक कर दिया. अब बनाओगे तो निकलोगे बाहर. अरे ऐसे काम करती हो आप. सो क्यूट. रणवीर पाजी की खासियत है इंसानों के मूड तो हम पकड़ ही लेते हैं. इनका ये कहना है कि जो सब्जियां होती हैं उनका भी अपना अपना एक मूड होता है. पाजी मेरे पास कुछ सब्जियों के नाम है. आप बताएंगे उनका क्या क्या मूड होता है. हाँ जी. आलू किस मूड में रहता है? आलू भैया आलू ना बड़ा दुखी है. हैं? क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है. जिसकी जो मन हुई कभी गोभी के साथ डाल दिया कभी शिमला मिर्च के साथ डाल दिया कभी पूड़ी में डाल दिया. मतलब पूछ नहीं है कोई ना. ओके टमाटर पाजी वो किस मूड में रहता है? पाजी टमाटर जो है थोड़ा होशियार ज्यादा है. अच्छा क्यों? नहीं क्योंकि आप मतलब सलाद में भी खा सकते हो इसमें भी खा सकते हो. होशियारी करके घुसता है वो सब जगह. अच्छा. हाँ मतलब चलाकी से. आप ही टमाटर ही हो क्योंकि आपके आने से पहले भी काम हो रहा था. लेकिन आज बोल दो कौन से शो में मेरे बगैर काम हो रहा है. आपने आके हमारा आलू निकाल दिया. बैंगन किस मूड में होता भाई? बैंगन आई थिंक फुल ऑफ इट ईगो है. क्यों? मतलब आप पैदा ताज के साथ हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब अच्छा इतनी ईगो नहीं. ये ब्रोकली पाजी ये मेरी लास्ट सब्जी है जिसके बारे में जानना चाहता हूँ. पहले तो इसका मूड बताएं फिर ये बताएं कि कब आई ये. पाजी ये जो ब्रोकली है ना जी ये ब्रोकली का बेसिकली जो मूड है वो जैसे बच्चे खो जाते हैं ना मेले में. हाँ वो वाला है. क्यों? क्योंकि इंडिया आई है लोग अभी तक कोई हरी गोभी बोल रहा है. हाँ. कोई ब्रो गोभी बोल रहा है. कोई बोल रहा है ये गोभी खराब हो गई. तो हाँ. बेचारी ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर देख रही है. कोई तो मेरा नाम ले लो ठीक से. पर वो सच्ची में बड़ी पौष्टिक होती है पाजी. बोलते विटामिन सी बड़ा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसमें. सही बात है पाजी. कोई भी हरी सब्जी उतनी पौष्टिक होती है जितनी ब्रोकली होती है. अच्छा जी. जिंदगी में और खाने में अगर रंग बने रहे तो सेहत बनी रहती है बेसिकली. मम्मी सुन रहे आप? हरी सब्जी ब्राउन समोसा नहीं.
जी, नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते जी। ठीक रही है? इतने बड़े बड़े सेफ आए हैं, माहौल में मसाले का तड़का सा लग गया। देखिए विकास खन्ना जी, हो इनका ग्लो देखिए जरा, एकदम छिले हुए लहसुन की तरह लग रहा है। गरिमा जी एकदम छोटी इलायची जैसी क्यूट नहीं है? वाह रणवीर ब्रार जी, आप एकदम दालचीनी की तरह सख्त। ओह माय गॉड, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम किचन का माहौल हो गया आज। अर्चना जी, सिलेंडर की कमी थी बस एक, वो भी भगवान दे देगा। वैसे हम आपको बता दें, हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हाँ, हम भी अपना जो बिजनेस करते हैं ना, उसका पूरा मेन्यू कार्ड है हमारे पास। मैंने देखा है तेरा मेन्यू खराब सा मेन्यू, पता नहीं अजीब सी लिखा हुआ। नहीं, देखा, स्टार्टर वॉश, मेन कोर्स वॉश, डेजर्ट वॉश, पता नहीं क्या क्या लिखा है। मिचलिन स्टार भी है हमारे पास। हाँ हाँ, ये लीजिए, स्टार्टर वॉश, मेन कोर्स वॉश, डेजर्ट वॉश, क्या है? शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स पैंट, पजामा, शॉर्ट, सॉक्स। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं स्टार्टर वॉश क्या होता है, हम आपको बताते हैं। स्टार्टर वॉश वो हो गया सर जो स्टार्टिंग में आप पहनते हैं, जैसे चड्डी, बनियान, कच्छा। तो ये हमने स्टार्टर में वॉश कर दिया, यानी कि स्टार्टर में धो दिया। जीनियस। फिर मेन कोर्स वॉश में मेन वाला कपड़ा आता है जो ऊपर आ गया, शर्ट, पैंट, कुर्ता, पजामा, ये सब हमने मेन कोर्स में वॉश कर दिया, धो दिया। हाँ। और डेजर्ट में क्या धोते हो? डेजर्ट में हम ऊंट धोते हैं। डेजर्ट जो होता है उसमें ऊंट होते हैं, तो हम वही धोते हैं। हम जानते हैं हमने इस वक्त बहुत ही ऊंट पटांग बात किया है, और हमारा ये ऊंट पटांग बात सुन के आप यहाँ से ऊंट के चले मत जाइएगा। विकास भाई, किस दिन आपको 50,000 आदमी के खाना बनाने का ऑर्डर मिले और आपको बड़ी मिक्सी चाहिए हो, आप हमें बताना। हमारे पास एक बड़ी मिक्सी है, 50 किलो दही पी के 2 मिनट में लस्सी बना देती हो। शर्मा जी, आप ना जाके वो वाली डिग्री कीजिए। कौन सी? बी काम। बी काम, थोड़ा सा काम रही है, हम बातचीत कर रहे हैं। गरिमा जी कैसी हैं आप? वेरी गुड। हमें पता है आप पेरिस में आप पढ़ाई की है ना, सब लोग जहाँ रोमांस करने जाते हैं आप वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे वो जो लोहे का कुतुब मीनार है ना, हमको बहुत पसंद है। लोहे का कुतुब मीनार नहीं है, एफिल टावर है। यही सब बातें फालतू करने आई तू यहाँ? नहीं, हम तो शिकायत करने आए हैं आप लोगों से। आई हैव ए कंप्लेन। व्हाट? आप लोग का ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह है ना, हमको भी अच्छा लगता है रेस्टोरेंट, हम भी जाते हैं। हमको मेन कोर्स अच्छा लगता है, स्टार्टर अच्छा लगता है, साथ में डेजर्ट अच्छा लगता है, बीवरेजेस भी मिलता है, वो सब भी हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो एंड में जो बात कहते हैं ना, वो सुन के हमारे दिल पे एकदम ठेस पहुंचती है, हम हर्ट होते हैं। क्या कहते हैं? कि पैसे कैसे देंगे, कार्ड और कैश। तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, खाना खाया तो। नहीं, खाना खिलाना तो पुण्य का काम है। हमारे घर में हमारे मौसा, चाचा, फूफा आते हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते, फ्री में खाना खिलाते हैं। रिश्तेदारों को खिला के तो कोई भी नहीं लेता पैसे। अच्छा, रिश्तेदारों से पैसे नहीं लेने होते ना? तो रिश्तेदारी बना लेते हैं। विकास खन्ना जी, यू आर सिंगल, आई एम ऑल्सो सिंगल। आप सच बताए तो मन ही मन हम काफी पहले ही आपको अपना मान चुके हैं। ओह माय गॉड, सच कह रहे हैं, आपका जो खाना है वो यहाँ रखा है और आपका जो खन्ना है वो यहाँ रखा है। देखिए, टैटू बनवाया है हमने। हाँ, कह के हमारी मेहनत का फल हमें दे दीजिए। तुझे तो फल मिल जाएगा, उनको जो कटहल मिलेगा वो उसका क्या? अरे सेफ लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। इतना बड़ा मछली को इतना छोटा सा सुशी बना देते हैं। हाँ, फिर कटहल को कली तो ये बना ही लेंगे। ओह माय गॉड,
नहीं करनी है उनको तेरे से शादी, क्यों तंग कर रही है? नहीं, मौका अच्छा है, लेकिन आज आप विकास की मम्मा सामने बैठी हैं, उनकी मम्मी को ऐसे खत्म करो। एरोप्लेन पसंद है, शिप थोड़ी पसंद है। नहीं करनी उनको शादी, क्यों परेशान कर रही तू विकास? नहीं करनी है, नहीं करनी है, आप हमसे शादी कर लीजिए। हैं, माई तो होगी, घर वाली बैठी उधर, तो दूसरी शादी कर लीजिए इफ यू डोंट माइंड। हम वैसे मन ही मन आपको भी अपना मान चुके हैं। कितनों को सच कह रहे हैं, आपका जो नान है वो यहाँ रखा है और आपका जो नाम है वो यहाँ रखा। झूठी, ये तो खन्ना लिखा है। एक मिनट कहीं और तो, यहाँ यहाँ ये देखिए, ये देखिए, ये भी है। हम पूरा तैयारी के साथ आए हैं। झूठी कहीं की, पहले तो इनको लाइक कर रही थी, अभी उनका नाम दिखा रही है। तो वो स्टार्टर थे, अब हम मेन कोर्स पे आ गए। सच में बता रहे हैं, हम मन ही मन आपको अपना मान चुके हैं। आपको पता है हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपका वो जो मीरा रोड में रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी हम रेगुलरली जाते हैं। इनका कौन सा रेस्टोरेंट है? है ना, ब्रार आनी रेस्टोरेंट। अरे वो बराड अनी रेस्टोरेंट नहीं है, वो मराठी में लिखते हैं बार अनी रेस्टोरेंट। आपका नहीं है, हम तो वहां जाके पेल पेल के पी रहे हैं, सोच के सारा पैसा आपकी जेब में जा रहा। देखिए, आपके ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है हमने। अब ब्रार जी हमारे साथ हो जाइए फरार जी। देखिए, मैं तो हो जाऊंगा फरार, लेकिन वो ऊंट जाएंगी वहां से। चीज कोऑपरेटिव, तुम्हें लेके कोई फरार हो सकता है? उस दिन बस की पिछली सीट पे बैठी, बस टांगे की तरह खड़ी हो गई आगे। आवाज भी निकली। आप ना कभी शेफ नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि किसी की दाल आप गलने देते ही नहीं। क्या बात, हम तो बस इतना सा चाह रहे थे कि ऐसे टाइप का कोई पति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे लिए खाना बनाएगा, हम मजे से बैठ के खाएंगे। तूने खुद क्यों नहीं सीखा फिर खाना बनाना? हमने ट्राई किया, बहुत कंफ्यूजिंग है आप लोग का खाना। क्यों? क्यों? हमने एक बार जो है गरम मसाला सब्जी में डाला। हाँ। थोड़ी देर सब्जी को रखा, सब्जी ठंडा हो गया। अब गरम मसाला है उसमें इतना भी औकात नहीं कि सब्जी को गरम रखे, फिर काहे का गरम मसाला? फिर हमको बताइए खड़ा मसाला क्या होता है, ये क्या एटीट्यूड है भाई मसाले में खड़ा मसाला, थक गया तो बैठ जा। और इनको तेज पत्ता है, बिल्कुल भी तेज नहीं है ये। हमने लाके किचन में रखा, दिनों दिन वहीं पे पड़ा रहा, अगर तेज होता उठ के फ्रिज में नहीं चला जाता वो। Who's writing this content? और ये दालचीनी क्या आइटम है ना, वो दाल है ना चीनी, काहे का दालचीनी? सही पकड़े है कि नहीं? सही पकड़े। आता है उस लॉन्ग पे, लॉन्ग सो स्मॉल इट इज, वाई लॉन्ग, व्हाट लॉन्ग? बेकार का बात है सर, मैं माफी चाहता हूँ। ये ना कपड़े धोते धोते ना ये अकल से हाथ धो बैठी, तेरी इन्हीं बातों की वजह से तेरी शादी नहीं हो रही, तेरे को पता? दैट इज योर गलत फैमिली। हमारा शादी का ऐसा कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा इसका ये मतलब नहीं कि हो नहीं रहा है। बहुत रिश्ते आते हैं हमारे लिए। अच्छा, बहुत लड़के पीछे पड़े हैं हमारे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, हमारे मम्मी पापा अभी गए हुए हैं रिश्ते का बात करने के लिए। अच्छा, कभी भी फोन आ सकता है कि रिश्ता पक्का हो गया। और लड़का अर्चना जी ऐसा वैसा लड़का नहीं है, कमाल का लड़का है। हाँ, हाँ, हाँ। वो जहाँ भी जाके खड़ा होता है लड़कियाँ घेर लेती हैं उसको। इतना हैंडसम है? नहीं नहीं, पानी पूरी का ठेला है। अब आप सोचिए पानी पूरी वाले से हमारा शादी होगा। क्या बात है, हमारी नींद पूरी हो ना हो लेकिन पानी पूरी तो होगी। सुबह सुबह पानी पूरी खिला के हमें उठाएगा वो। कितना मजा आएगा, दुनिया के लिए चटपटा चाट बनाएगा, हमारा खुद का जीवन कितना चटपटा हो जाएगा सोचिए। लेकिन जो उसका जीवन खटपटा हो जाएगा उसका क्या? क्या अटपटा सा बात किए हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजा आएगा। देखिए, हमारे लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसको घेरेंगी लेकिन सब उसको भैया ही तो कहेंगी। अरे कोई चक्कर का टेंशन ही नहीं। एक मिनट, चक्कर से याद आया, शादी के बाद अगर हमको चक्कर आ गया आए हाय तो खट्टा भी सारा घर पे ही है, बाहर जाने का जरूरत। अच्छा लड़का, अभी तो कर ले शादी। क्या हो रहा है? ये फोन बज रहा है हमारा। बज रहा है, शायद मम्मी का फोन है। रिश्ता पक्का हो गया? क्या बात, मम्मी का ही है। हेलो मम्मी, रिश्ता पक्का हुआ? लड़का ना कह रहा है। हमारा फोटो दिखाइए ना।
अच्छा देख के कह रहा है कि जीवन में पहले से एक ठेला है, एक और नहीं चाहिए। इसको जरा फोन दीजिए। ऐ सारा लड़कियां जो तुमको भैया भैया कहती है ना, जरूर तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगा। तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुमको अपना सैया बनाएंगे? ऐसा लड़का से शादी करना भी नहीं है हमें। पानी पूरी का ठेला है, ये कोई काम है? सारा दिन ऐसा है पूरी में उंगली करता रहेगा, सोचे हमारा लाइफ में कितना इंटरफियर करेगा वो। कभी उसका दुकान का एड्रेस देके हम बोलेंगे कोई सामान वहाँ भेज दो, कुछ पहुँचेगा? क्योंकि दुकान तो अपना कंधा पे लेके यहाँ वहाँ भटकता रहता है वो। कहाँ है का एड्रेस? और कहीं हमारे मोहल्ले में हफ्ते भर के लिए पानी चला गया तो उसका धंधा तो ठप खत्म। बिना पानी के कैसा पानी पूरी? हमको नहीं करना शादी, आप मान जाइए ना। ठीक है चलो फिर, चलो फिर कर लेते कर ले। तो आइए, लेकिन एक थोड़ा ना मूड हमारा देखिए वे खराब कर दिया लड़के ने। अच्छा हो सकता है अगर आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा डांस वांस करेंगे। ये डांस बहुत अच्छा करते, अच्छा कर शादियां तोड़वाते हैं ये डांस। बिल्कुल, इस बात में अगर सच्चाई है तो आ जाइए। क्या करें, डांस करते हैं, थोड़ा म्यूजिक हम देंगे। यो चलिए चलते हैं, बड़ा खुशी हुआ मिलकर। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ आपकी। दिखाइए, ये रणवीर पाजी ने फोटो डाला है, टैग दैट फ्रेंड। अच्छा उस पे लिखा फ्रेंड्स लेट्स गो आउट, मी आई हैव बिजी शेड्यूल, माय शेड्यूल। कमेंट्स देखते हैं। हम भी दो सिंगल बेड को डबल बनाकर सोते हैं तो रात में बेड खिसक जाता है और सुबह हमारा एक रिसर्च के मुताबिक 13% मर्द अपनी उम्र के कारण कमर दर्द से परेशान रहते हैं और बाकी के 87% मर्द अपनी हरकतों के कारण। जोश जोश में अगर खाने में गरम मसाला ज्यादा डाल दो तो फिर अगले दिन ऐसे ही बैठना पड़ता है। और दिखाइए, विकास भाई ने फोटो डाला, आई एम वेरी थैंकफुल टू द लॉन्ग चेन ऑफ एंसेस्टर्स दैट होल्ड माय हैंड, दे टॉट मी टू कुक, नर्चर, स्टैंड अप, मेनी मोर। हम अमृतसर वालों को जितनी आती सारी लिख डाली आपने। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, अगर इनके कैप्शन के बाद जगह बची हो तो। आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि आपने कैप्शन खत्म कर दिया। दिखाइए और, इतना बड़ा कैप्शन थोड़ा और लिख देते तो नॉवल बन जाता। आज समझ आया 5-स्टार होटल की सब्जी महंगी क्यों होती है, शेफ हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने जाता है। पाजी आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो? नहीं, मैं थोड़ी क्लासेस लेता हूँ फ्लाइंग की, मेरे को डर था फ्लाइंग का। अच्छा, और बात है कि मेरी मम्मा जो है वो बचपन में पायलट बनना चाहते थे। अच्छा जी। तो मैं पायलट, क्योंकि ये फ्लाइंग स्कूल गया था मम्मा के लिए रिजर्वेशन कराने के लिए, ताकि जब न्यूयॉर्क आए तो उनका सपना पूरा कर सकूं। और मुझे शौक पड़ गया फ्लाइंग का, क्योंकि वो पता नहीं क्यों। बहुत अच्छी बात है भाजी, सपने पूरे करने चाहिए, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने। और दिखाइए कमेंट्स, ये गरिमा ने फोटो डाला है, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रेडिंग द लव विद रणवीर ब्राड एंड विकास खन्ना ग्रुप दिस सीजन ऑफ मास्टर शेफ इंडिया, वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स, ये बता रहे हैं कि खाना तो हम एक चुटकी में बना लेते हैं। रिप्लाई लिखा, ये बता रहे हैं खाना बनाने के लिए पैसे लगेंगे। अब ये बोलेंगे एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जब कोई पूछे कितनी भूख है तो कुछ लोग इतना बोल के 5 पराठे खा जाते हैं। योर रिलेटिव इज टॉकिंग अबाउट यू। और दिखाइए, रणवीर पाजी ने फोटो डाला, चलो बताओ व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल, इज इट नॉट ब्रोकली? नो, ब्रोकली की मासी की बेटी है, अमेरिका होके आई है, फॉरेन रिटर्न ब्रोकली है। कमेंट्स दिखाइए जरा, इंग्लिश मीडियम से पड़ी हुई फूल गोभी। सही बोला आपने, नाइस वन। भाई आप दूसरों का टेस्ट ले रहे हो या आपको खुद भी नाम नहीं पता? नाम तो पता नहीं, लेकिन ये सब्जी जरूर किसी डिजाइनर ने उगाई होगी। मैं शादीशुदा मर्द हूँ, ज्यादा नाम वाम में ध्यान नहीं देता, जो मिलता है चुपचाप खा लेता हूँ। बेचारे पर मीट करना।
और दिखाइए. Beginning with the auspicious Diwali week. ये क्या है हाथ में विकास? What is this? Swiss chard. हाँ? Chard है? Swiss chard. Swiss chard. हाँ. जो मतलब कि आपकी जो पालक है उसकी मासी की बेटी जो अमेरिका रहती है वो. क्या रिश्तेदारी है? आइए कमेंट्स देखते हैं. ये बची हुई सब्जी का बुके बना के दिवाली पे किसी को चिपका रहे हैं. लगता है इनकी गर्लफ्रेंड के पास बकरी है, उसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हरी सब्जियां लेके घूम रहे हैं. हमारे घर पर भी जब गैस खत्म हो जाती है तो हम भी कच्ची सब्जी ले जाके पड़ोसी के सामने ऐसे ही मुस्कुराते हैं. गैस खत्म हो गई. और दिखाइए. गरिमा आई है इस बार लंबे कैप्शन के साथ. आई विल ट्राई एनीथिंग वंस बट दिस एक्सपीरियंस आई विल वांट टू. काफी है, बहुत ज्यादा है. राइडिंग डाउन. थैंक्स फॉर हैविंग अस ओवर. साथ में भाई साहब है? यस श्योर 100%. दिखाइए कमेंट्स. बंदे का मुंह नहीं दिख रहा है और इन्होंने पूरा पाउट बना के दिखा दिया. और दिखाइए. पाउट गरिमा. आज ही बात की है पाउट. या दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज अ गुड वन. लड़कियों का ऐसा ही है, कपड़े नहीं हेलमेट भी डिजाइनर चाहिए होता है. हाँ वाकई भाई साहब को सिंपल सा दे दिया है. कुछ भी हो लड़कियां कैसे भी अपना मेकअप दिखाने का तरीका ढूंढ ही लेती हैं. और दिखाइए. रणवीर बराड़ इन्होंने डाला है टीचर. यू गाइस कांट सिट टुगेदर. बैक बेंचर्स. वी विल बी सीरियस. सीरियस ओके देन वन लास्ट टाइम. बैक बेंचर्स. कैसी कैसी हरकतें करते हो आप तो. नारियल पानी पी रहे हैं. रिएक्शन सर ने दिया है. अच्छा दिखाइए कमेंट्स. रणवीर विकास के दिमाग से उनकी रेसिपी खींचते हुए. गुड वन. गुड वन. गुड वन. आपकी हरकतों से लग रहा है इस नारियल में नारियल पानी के साथ साथ अंगूर का पानी भी मिला हुआ है. बहुत याराना लगता है इन ऑथेंटिक गब्बर वॉइस. इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ माइंडलेस कॉम्पिटिशन एंड द रेस टू जीरो ये दोस्ती इज वेरी रिफ्रेशिंग. वेरी नाइस. और दिखाइए. Something awesome is cooking at Kinara. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. अगर शेफ किचन में ऐसे करतब ना करें तो खाना 40 मिनट की जगह 20 मिनट में भी बन सकता है. आप लोगों को देख के मैंने भी रुमाली रोटी ऐसे ही उछाली थी लेकिन वो छत पे चिपक गई. गुड. और दिखाइए. खत्म. धन्यवाद. टू गुड. शर्मा जी. हाय. हेलो. हेलो. तुम कब सुधरोगे? फिर से गीला टॉवल तुम बेड पे छोड़ के आ गए. फ्रिज में रख के आता मैं. बिल्कुल अकल नहीं है साथ में. मैं क्या करूं मैं इसका? बिल्कुल नहीं. अकल होती तो मैं शादी करता इससे. हमारे घर में इतनी बड़ी आज गैस आई. हेलो माई सेल्फ बिंदु. अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करवाओ. जैसे आप खाना पकाने में एक्सपर्ट हैं, वैसे इस जमाने को पकाने में एक्सपर्ट हैं. अभी शुरू करेगी ये कुकिंग अपनी. एक्सक्यूज मी. नहीं नहीं मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ. माई सेल्फ बिंदु. हेलो सो. हेलो. हाय. हेलो. हेलो जी. बैठिए बैठिए. ये तो आती रहती है. आप बैठिए. प्लीज बैठिए. प्लीज बैठिए. ये वैसे तो उंगलियां चाटता है लेकिन अभी ऐसे बोल रहे हैं. एक्चुअली किचन की दुनिया में ना मुझे भी गरिमा अरोड़ा बोलते हैं. अरे किचन की दुनिया छोड़ तू पहले. उस दुनिया से बाहर आ. वो किस दुनिया से? वहम की दुनिया से. बढ़िया ही. वो कहां पेरिस से शिक्षा लेके आई? तू मलाड़ से रिक्शा लेके आई? तो कहां तुम्हारा मेल जोल है भाई? मैं अगर तुमसे शादी नहीं करती ना आज मैं भी अब्रॉड जाती पढ़ाई करने. ऑक्सफोर्ड से मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर आई थी. दसवीं तूने नकल मार के पास की है. इतनी नकलची है ना. सामने लड़का बैठा है इसके आगे, इसने फीस माफी की एप्लीकेशन पूरी की पूरी चेप दी उतार के. यहाँ तक कि नाम भी लिख दिया. आपका आज्ञाकारी रमेश सोलंकी. देख लो. स्कूल में ना टॉपर थी मैं. यू नो स्कूल में वो हॉल ऑफ फेम होता है. होता है. मेरी फोटो लगी है वहाँ पे. तेरी वॉल ऑफ शेम पे लगी हुई है. नीचे उन्होंने गिल्ट नोट लिखा प्रिंसिपल ने कि ये हमसे गलती होगी. अब इसके पश्चाताप में हर साल 10 विद्यार्थी मुफ्त पढ़ाए जाएंगे. ऐसा उन्होंने लिखा है. यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है. तेरे से बात करके तो मेरी टीआरपी ऊपर चलेगी ना. आ गई बड़ी. करने क्या आई इधर आप? अरे यहाँ पे आज हमारे घर में पहली बार इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं. तुम्हें पता है दुनिया की सारे औरतें से मिलना चाहती हैं. सारी बीवियां सारी माएं. मतलब नहीं बट सीरियसली आई हैव टू से दिस. आप लोगों के चक्कर में ना हमारे खाने में भी जायका आ गया है. ये तो है.
आपके वजह से ही आया। आपकी वजह से हमारे घर का जो खाना है उसमें जायका आ गया और उस जायके की वजह से इसका पूरा मायका आ गया है। एक साल हो गया ये लोग जान ही रहे। ये इसके जो डिसरिस्पेक्टेड मम्मी पापा हैं एक साल से रुके हुए इधर। डिसरिस्पेक्टेड क्या होता है? हरकतें ही ऐसी उनकी, मैं क्या करूं? उस दिन इसके पिताजी हल्दी खा रहे थे, वो मैं बता क्या? हल्दी इज गुड फॉर हेल्थ। तो खरीद के खाओ ना, किसी दूल्हे की हल्दी रसम हो रही थी, उसकी पीठ चाट रहा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? खबरदार तुमने मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला तो बस। मम्मी के बारे में तो मैंने कहा ही कुछ नहीं अभी। पाजी ढूंढ ढूंढ के जूस वाली दुकान जाके बेहोश हो जाती है ताकि कोई जूस पिला दे। एक बार बेहोश हो गई, एक आदमी कहता है माताजी को घर छोड़ाओ, एक कहता है माताजी को पानी पिलाओ, एक कहता है माताजी को जूस पिलाओ, माताजी खड़ी हुई कहती कोई इसकी भी सुन लो जो जूस की बात कर रहा है। बहुत खराब करते ये काम। यहाँ सिर्फ बातें बनाते रहता है। सोनी भी इतना बड़ा कुकिंग का शो आ रहा है, तुम्हारी तो सोनी साहब से जान पहचान भी है, ये नहीं कि अपनी बीवी की एंट्री करवा दो शो में। आप ले जाओ पाजी, क्योंकि हमारे शो में तो फॉर्मेट है नहीं, वहां जाके इसको इलिमिनेट करो आप। सुनो तुम ज्यादा हवा में उड़ो मत, रोटी में भली गोल बनाती हूँ लेकिन पति को सीधा करना आता है मुझे। क्या बात! मतलब ये नहीं कि कभी मुझे इनके रेस्टोरेंट्स में लेके जाए। उन्होंने ऑलरेडी सफाई वाले रखे हुए हैं। मैं खाना खिलाने की बात कर रही हूँ, सफाई की नहीं। ये देखो आ गई शिमला मिर्च। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मुझे पता था बड़े बड़े लोग आए हैं, इसीलिए तो टिफिन लाई हूँ, ये लीजिए। मम्मी आप इनके लिए खाना बना कर लाई हैं? मैं क्यों बनाऊंगी, चेफ तो ये है, ये बना के डालेंगे। पर मानना पड़ेगा बड़े इनोवेटिव है, भीख मांगने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। देखा तैयार व्यार होकर टिफिन ला के रख दिया। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। जैसे आपके पास खाने बनाने के अलग अलग तरीके हैं, इनके पास मांगने के अलग अलग तरीके तो हैं ही। और खाने के नाम पे तो मतलब एक जगह लिखा ना दवा खाना, ये खाना पढ़ के अंदर घुस गई। इरादे की इतनी पक्की, तीन एक्सरे खा के बाहर निकली है ये। हाँ वो क्या है ना विकास जी, उस दिन ना मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही थी, तो एक्सरे की हड्डियां देख के ना मुझसे रुका ही नहीं गया। रुका तो इनके पति से भी नहीं जाता, 9 बच्चे इनके। मतलब क्या आपके सास ससुर के बारे में बोलते रहते हो, कुछ भी शर्म तो क्या करो। हेलो बिंदु, खबरदार जो दामाद जी को कुछ कहा। अरे ये कह लें दे, ये ताना देते हैं तो खाना भी तो यही देते हैं। है कि नहीं? है नहीं कि बेशर्म पूरे आगे गुल्लक जैसा मुंह लेके। अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, इतने बड़े बड़े चेफ आए हैं, तू खाना बनाना सीखना इनसे। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ठीक ठाक बना लेती। अरे अगर तू अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता। हाँ इसी, हाँ बता क्या हो गया। माँ बेटी दोनों मिलके 2 पेज याद करके नहीं आई। नहीं नहीं 25 बार इनको क्यों भूल जाते हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब आदमी 10 साल से पूरे शो की स्क्रिप्ट याद करके आता है। क्या है, है? यार होने में 6 घंटे लगाती हैं, स्टेज पे 6 मिनट नहीं निकलते। पोजीशन भी चेंज हो गई ना, इसलिए फिर से पीछे लेती हूँ। मेरे को बोला था उधर आना है। आप लगे रहो, कोई बात नहीं। हेलो खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो? हाँ नहीं तो? अरे वो ताना देते हैं तो खाना भी तो वही देते हैं। ये तो 2 पेज पीछे चली गई। नहीं 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 मम्मी मैं ठीक ठाक अच्छे से खाना बना लेती हूँ, यहीं से लेती हूँ फ्लो में पीछे से। ओह दिस इज टू मच मैन। हाँ अनबीटेबल। ओहो खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो? हाँ नहीं तो? अरे दामाद जी ताना देते हैं तो क्या हुआ, खाना भी तो यही देते हैं। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाँ इतने बड़े बड़े चेफ आए हैं, इनसे कुछ खाना बनाना तो सीख। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ओ बना लेती हूँ, अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता। हाँ पता है गरिमा जी, इसका बनाया हुआ खाना लेके मैं गाय के पास गई ना, वैसे तो गाय कहती है ओ, इसका खाना देखते ही बोली नो।
इतना ही है तो तीन टाइम का खाना क्यों खाती है मेरे ससुराल में, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। अरे क्या है ना, गाय को तो खाना दूसरे लोग भी दे देंगे, हमें दामाद जी के अलावा कौन खाने को देगा। पानी तो, अरे भगवान, ये तौलिया लेके तू क्यों खड़ी है? और तेरे डैडी जी अब तक नहा चुके होंगे, जाके तौलिया दे दे। ये इनका टॉवल है मम्मी। तो कच्चा बनियान भी तो इन्हीं के पहनते हैं वो। बात कर रही है। देखा आप इनकी हरकतें? हाँ, और अगर वो अपना तौलिया यूज करेंगे तो हमारे प्यारे दामाद जी बुरा ना मान जाएंगे। हाँ? सर, आप लोग इतना अच्छा खाना बनाते हो कि मजा आ जाता है। कोई ऐसा खाना बना सकते हैं जिसको खा के इनको शर्म आ जाए और ये मेरा घर छोड़ के चले जाए ये लोग? करवा दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने फिर से। मतलब क्यों क्यों कर, सॉरी मेरी मम्मी थोड़ी सी ऐसी, सॉरी मेरी बेटी पूरी ऐसी है। अब आएगा बच्चा। मम्मी अंदर चलो, तुम अब भी अंदर चलो तुम। अच्छा तुम, चल हो गया, तुम अंदर चलो। आ रही हूं। तुम नहीं, तुम अंदर चलो, अभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो अंदर चलो। टिक्की मैं रखती हूं, अंदर चलो तुम। गाड़ी में, गाड़ी में अंदर चलो तुम। विकास भाजी, मैं ना पिछले साल कनाडा गया, आपको पता कनाडा में सबके वो लगा रहता है अलार्म जी। वो अलार्म बनाए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, पराठे के लिए नहीं। हाँ, पराठे में तड़के के लिए वो बने नहीं है, वो पास्ता वास्ता बनता, धुआं निकलता नहीं। हमारे पहले पराठे में हमारा अलार्म बज जाता था। मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा हमें फिर वो बंद करना पड़ता था अलार्म ना। मैं आपको बता दूं, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में कुकिंग कर चुके हैं विकास भाई। तो जब आप वहां पे कुकिंग कर रहे, आपको टेंशन नहीं हुई कि अगर कुकर की सीटी बज गई और हल्दी की पेंटिंग बन गई व्हाइट हाउस में तो कहीं मैं पकड़ा ही ना जाऊं? आपने वहां पे उनके लिए इंडियन बनाया था कि वहां का कुछ बनाया था? एक वहां पे इवेंट किया था हमने, जो लंच और डिनर बना रहा था। अच्छा जी। तो लंच तो पूरा हमने किया था वेजिटेरियन, सात्विक मील। अच्छा जी। नो लहसुन, नो अनियंस, लाइक आई वांटेड टू पुश दैट। वाओ, एम आई राइट? 2011 से पहले हमने कभी नहीं सुना था किसी ने मेन स्ट्रीम में इंडियन वेजिटेरियन खाने की बात की हो। गोरों का क्या होता है कि वेजिटेरियन जो है साइड डिश है। एक सिर्फ हिंदुस्तानी खाने में सब्जियों को इतनी तरह से पकाया जाता है, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ है। तो आई वांट टू शो केस दैट। पर कुकर की सीटी वगैरह कुछ नहीं होता, हमने खाना बना के वी वर अलाउड टू ब्रिंग इट इनसाइड। मुझे ना एक विकास पाजी की एक इंटरव्यू हो रहा था किसी इंग्लिश चैनल पे और उन्होंने बोला कोविड के दिनों में इन लोगों ने अपनी तरफ से, विकास भाई ने वो शुरू किया था कि लोगों के घरों में खाना पहुंचाना जरूरतमंद जो नहीं, तो उन्होंने बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया। तो बोले आपने ये जो गरीबों को खाना खिलाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंडिया से? बोलते नहीं, इंडिया में तो हमारे कोई भूखा सोता नहीं, हमारे हर जगह गुरुद्वारा साहब है, लंगर लग रहे हैं लोग। ये बोलते मुझे ये इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क से मिली। आपका जो हाजिर जवाबी थी ना, बड़ी मजेदार थी, पर आपने दिल से कहा था। वो क्या होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होती है तो अब मैं इंग्लिश में लड़ नहीं सकता, मैं पंजाबी में लड़ सकता हूँ। अब वो इंग्लिश में बोल ले। अब रात के 4 बजे थे न्यूयॉर्क में, वो लाइव लंदन में इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कि इतनी गरीबों में आप खाना बांट रहे हो, कोई 80 मिलियन मील्स के करीब हमारे हो चुके वाह फीड इंडिया में। तो उसने कहा कि आपको तो भूख की समझ होगी क्योंकि आप इंडिया से आते हो। ओह माय गॉड। तो फिर मैंने सेहान से बोला, मैं कहा जी मैं मानता हूँ गरीबी है, भूख है, आपके देश में भूख नहीं है? मैंने कहा ये सवाल था। न्यूयॉर्क में इतनी भूख है आप सोच भी नहीं सकते। पर मैंने कहा कि मुझे भूख का एहसास हुआ अमृतसर में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हैं। वाह। तो मैंने लड़के नहीं बोला, मैंने मैटर ऑफ फैक्ट बताया, क्योंकि ना मुझे लगा बीच रास्ते मेरी इंग्लिश खत्म ना आ जाए। तो मैंने कहा फॉर मी आई रियलाइज भूख के बारे में न्यूयॉर्क में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था छोटे छोटे लेवल पे, तो कोई देखता भी नहीं था। सो आई फेल्ट कि वहाँ पे कंपैशन मुझे नजर नहीं आया, जो ज्यादा बड़ी भूख से बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने बोला था। गरिमा, आपका हमने सुना बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गा, तो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको लगता है उसका नाम खा होना चाहिए था? अगर मेरा नाम खरीमा होता तो शायद हो जाता, इट्स गरिमा अरोरा, तो गा। गरिमा अरोरा, ओके वाओ, सो प्राउड ऑफ यू गरिमा। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेफ बनने से पहले गरिमा जो है ये जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा मसाला किस में बढ़ता है, खाने में या खबरों में? Obviously. नहीं, वो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मे बी अ लिटिल बिट मोर, उतना मैं नहीं हैंडल कर सकती थी, किचन का मैं हैंडल कर लेती हूँ। कम मसाला होता है, कम मसाला होता तो है, मसाले लेके लोग घूम रहे हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद।
आपको रणवीर बरार साहब के बारे में बताऊं कि ये जो खाना बनाने के लिए चाकू यूज करते हैं उसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। पाजी उसकी खासियत क्या है? आपके उठने से पहले सब्जी काट देता है। क्या है ये खबर पांडे ने सुनी ना हमारे ड्रम वाले ने, कहता 2.25 लाख का चाकू, कहता मेरे को 50,000 महीना दे मैं गाड़ी भी दे दूंगा। भाई लोगों के ना अपने अपने होते हैं, जैसे घड़ियों का शौक होता है तो अभी देखो कोई घड़ी नहीं है कुछ नहीं है, हमको सिर्फ यही शौक है, बावर्ची है तो मतलब एक ही चीज आती है कि अच्छा चाकू अच्छा मिल जाए। अच्छा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट? मतलब इट्स मेड ऑफ अ सामुराई स्वॉर्ड, 18th century सामुराई स्वॉर्ड का एक पार्ट है और उससे बना हुआ है वो, तो साथ में सर्टिफिकेट वगैरह आया है, फैमिली की पूरी हिस्ट्री है उस फैमिली की, तो आप जब पकड़ते हैं यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री, तो फिर वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। क्या बात, बट आप इस्तेमाल करते हैं उसे या आपने? कभी 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 कभी। विकास भाई खाना तो अच्छा बनाते ही हैं, खुद ही फूड लवर भी हैं और जब भी कहीं जाते हैं ना अपना टिफिन साथ लेके आते हैं, आज जो आप टिफिन लेके आए हो आपने चेक किया उसमें खाना है कि नहीं है? क्योंकि ये तो मैं अपना टिफिन साथ में लेकर चलती हूं, ये मैंने इसको गजक लाने के लिए बोला था, ये नहीं लाया तो मैं अपनी गजक मैंने ऑर्डर करके, थोड़ा सा दे देना इधर, तो ऐसे शो के लिए रखा हुआ है, लेना यार। आपकी गजक आई हुई है प्रभु, मैंने मरना था आपकी, आप वेरी गुड, हां अभी आ जाएगी, अभी अब मैं जो घर में मैंने ऑर्डर किया उसको मैं बेच दूंगी। हाय, मैं हूँ शेफ उस्ताद घरछोड़दास, आज मैं आपको अलग अलग डिशेस बनानी सिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हर डिश अलग तरीके की होती है। अचानक आपके घर में अगर कोई आ जाए तो सबसे पहले बताऊंगा एक मिनट में शाही पनीर कैसे तैयार हो। कैसे? पनीर लीजिए, शाही में डुबोइए, स्याही पनीर तैयार है। वाह, ये तो जूते खाने वाले काम कर रहे हैं आप। लेकिन उस्ताद जी इसको खाएंगे कैसे? सवाल ये नहीं है कि खाएंगे कैसे, सवाल ये कि पचाएंगे कैसे। तू गलत सवाल करता है इसलिए तू मेरा चेला है, तू सही सवाल करता मैं तेरा चेला होता। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिकन डिश कैसे बनाई जाती है। कैसे? मैक्सिकन डिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आप किसी भी डिश को मैक्सिकन बना सकते हैं। कैसे? एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मैक्सी। ताजी मैक्सिकन डिश में गरम मसाला नहीं डलता? तो मैक्सिकन डिश में मैक्सी डलती है? मैंने डाली हुई है ना? बेवकूफी का सवाल पूछता है। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं सिखा। सॉरी। अच्छा ठीक है। ताजी मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिसको खाने से वेट लॉस हो। मैंने एक डिश बनाई है, एक बर्फी है जिसको बनाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 साल? बर्फी तो एक दिन में बन जाती है। वो नॉर्मल बर्फी होती है, मैंने जो डिश बनाई है वो ये है रुई वाली बर्फी। रुई वाली बर्फी? कुछ लोग कहेंगे ये फंगस लगी हुई बर्फी है, लेकिन ये फंगस वाली बर्फी नहीं है। इसके होने से वेट लॉस हो जाता है। कैसे? इसका लॉकेट बना के गले में टांग ले, ऐसी स्मेल आएगी खाना खाने का मन ही करेगा, वेट लॉस शुरू। और अगर आप डिशेस सीखना चाहते हैं मुझसे तो अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मेरी दादी की मैक्सी तो दो। ये ले। थैंक यू उस्ताद जी। वो भी लेके जाइए उस्ताद जी। क्या बात है, इतने बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, कुकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 क्या रणवीर साहब, मैं आपको बता दूं सिंगिंग का गुरु तो मैं भी बनाऊं, लेकिन मैं भी 5-star होटल में शेफ था जी, मगर एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ऐसे करके लात मार के बाहर निकाल दिया। फिर से कैसे करके? मैंने जिस इंस्टीट्यूट से सब सीखा है वहाँ पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है और वहाँ के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, अगर खाना अच्छा नहीं बना तो जो शेफ होता है उसको फिर सारे लोग मिलके पीटते हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कौन सा है? छिहाड़ जेल दिल्ली। Oh.
वहाँ पे एक रहना खाना पीना फ्री होता है और साथ में कंबल भी देते हैं। गरिमा जी, मैंने सुना है आप शेफ बनने से पहले जर्नलिस्ट थी। मैं भी आपकी तरह एक तत्र पत्रकार बनना चाहता था। क्या बनने जाते थे? तत्र पत्रकार। पत्रकार होता है वो? क्या होता है? बोलना आता नहीं तुम्हें और पत्रकार बनना चाहते थे? तो मुझे प्रेसिडेंट बोलना आता है, बनवा दो। साजी, आप कब से आए, कितना बोल रहे हैं, बोल बोल के आपको भूख लग गई होगी जी। वो आप लेंगे, वो इटालियन में बोल लेंगे क्या, वो लेदर के जूते? ये रात को लेदर खाता हूं ना, मेरे को एसिडिटी होती है। आई डोंट लाइक। लेकिन मैंने सुना है साहब आप लोगों की उंगलियों में जादू है, तो क्या आप मेरे लिए अपनी उंगलियों से टाइप करके 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? इसमें क्या जादू हुआ भाई है? ये कौन सा जादू हुआ? जादू तो उसके बाद होगा ना, जब गायब हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। मेरे पास भी एक जादू है, मेरा डंडा पड़ा था इधर। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे 3 सुपरस्टार शेफ्स तो मौजूद ही हैं, आज हमारे दर्शकों के बीच कुछ ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं, मुंबई के हमारे डिब्बा वाले भाई। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो तो मुंबई में लोग रहते हैं उनको पता है इनके बारे में और इनके जो कठिन कार्य है उसके बारे में, लेकिन जो मुंबई में नहीं रहते मैं उनको बता दूं कि मुंबई में खाने के मामले में मुंबई वाले या तो भगवान भरोसे हैं या इनके भरोसे। बारिश में एक बार लोकल ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन ये लेट नहीं होते। बिल्कुल। और जिस आदमी ने घड़ी ना पहनी हो वो इनको देख के बता सकता है कि 1 बज गया, लंच टाइम हो गया, क्योंकि ये कभी लेट नहीं होते। क्या बात है। हमारे सारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुक्रिया, आज आप हमारे शो पे आए और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, सफ़ेद यू नो शर्ट और सफ़ेद टोपी, ये इनकी पहचान है। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंबई की लोकल ट्रेन में इंसान जब चढ़ता है ना, चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस खड़ा हो जाए प्लेटफॉर्म पे, लोग धक्के मार मार के चढ़ा देते हैं, लोग ही उतार देते हैं। आपके पास इतने सारे डिब्बे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोकल ट्रेन में चढ़ना उतरना? सर, जो ये काम हम लोग अभी 1890 से हमारा जो सिस्टम चालू है, मैंने उसको 135 साल हो गया। क्या बात। और यही चीज देख के इंग्लैंड के राजा प्रिंस चार्ल्स भी 2001 में मिलने आए थे कि जो लोग इतना टाइमिंग पे 12 और 1 के बीच में जो लंच टाइम रहता है जी, उस टाइम पे जो हमारा टीम था, तो पुराने लोगों ने जो हमारे फाउंडर थे माधो आजू बच्चे, अच्छा जी, जिन्होंने चालू किया था ये संस्था, अच्छा, तो उन्होंने एक ऐसा टाइमिंग का चेन बनाया कि सभी जगह पे एक ही टाइम पे हम लोग डब्बा पहुंचाते 12 से 1 बजे के बीच। वाह, क्या बात है यार। इतना टाइमिंग उन्होंने सेट करके रखा है और इसी यही टाइमिंग की वजह से आज बड़े बड़े 7 समंदर पार अपना भारत का नाम डब्बे वाले ने थोड़ा रोशन करने में भी मदद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी किसी ने शिकायत की मेरी बीवी ने तो भिंडी बेची थी, ये दही पकौड़े निकल आए? नहीं नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। आपके तो पक्के ग्राहक, आप तो सूंघ के बताते थे होंगे ये गुप्ता की बीवी की सब्जी है। नहीं, मतलब होता ही है कि उनके मसाले ज्यादा डालते। एक दिन में, अभी कोरोना के पहले, एक दिन में हम लोग 5,000 लोग का टीम काम करता था, तो हम लोग 2 लाख पर डे डब्बा का सर्विस देते थे। 2 लाख। और हमारा मैनेजमेंट इतना पावरफुल है कि हम लोग, आपका डब्बा दूसरों को नहीं जाएगा और दूसरे का डब्बा आपको भी नहीं आएगा। क्या बात है दादा। मुंबई में जब बारिश होती है, जब गर्मी का सीजन होता है, इन लोगों के लिए सब सीजन एक समान है, ये लोग कभी भी लेट नहीं होते। दादा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और आप हमारी मुंबई की शान है। आप बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए मैडम, गरिमा मैडम, विकास सर, रणवीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। थैंक यू आपको जी। थैंक यू आपको। मैं जब नया नया मुंबई आया तो मेरे ट्रैवल शो शूट कर रहा था टीवी के लिए। अच्छा जी। तो डायरेक्टर जो थे वो अमेरिका से थे, तो लोकल ट्रेन में एकदम ठसाठस भरी हुई और इधर गाने चल रहे अजोबा, और मतलब गाते हुए जाते हैं हमेशा डब्बे वाला। अच्छा। राइट। तो वो मुझे कहता है कि यहाँ पे इतनी टेंशन है, शहर में इतनी टेंशन है, ट्रेन ठसाठस भरी हुई है, ये कैसे गा रहे? मैं, क्योंकि अंदर से खुश है और अंदर से खुशी खिला के ही मिलती है, खा के भी नहीं मिलती एक्चुअली। वो बोलते हैं ना कि खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, वो वाकई वही पुण्य है जिसकी वजह से ये खुश रहते हैं। नहीं यकीन तो ज़िविगाटो का ट्रेलर देखना, उसमें भी एक डायलॉग है।
मैं फूड डिलीवरी बॉय बनाऊ ना। अच्छा, खाने से जुड़ा आप, अब देखो हमारे पास सुपरस्टार शेफ हैं। आप, आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। जी मैडम। हेलो मैम। हेलो सर। हाय कपिल। हेलो मैम। मैं जॉब करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस में आप? जी सर। ओह वाह, थाना सिटी पुलिस में हूँ। और मेरे हस्बैंड भी लॉयर है। कभी कभार ऐसा हो जाता है हस्बैंड का फोन आता है जल्दी से नाश्ता रेडी कर दो। हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी में सूजी, तो हमारे का शौक रहता है डंडे से मारकर सूजी ऑलमोस्ट बनती है बाहर, तो वही सूजी का हलवा जो बनता हाँ। है मेरा, तो मैं उसमें शक्कर और पानी डाल देती हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चों को जब परोसने जाती हूँ तो कड़क सी हो जाती है, तो वो जो मिठास देना पुलिस वालों की सूजी है ना, पुलिस वालों ऐसे नहीं सूजी हुई, आपने सुझा दिया उसको, जो मिठास हस्बैंड को देना रहता है वो कड़वाहट उनके मुंह में आकर मुझे दो गाली सुनना पड़ती है। आपको कोई लॉयर ही झेल सकता है? एक तो पत्नी ऊपर से पुलिस वाली। हे भगवान जी, बताओ जी सूजी। एक पकड़ते हैं दूसरे जमानत करवाते हैं। प्रॉपर चल। आपको गुस्सा नहीं आता कि मैंने मुजरिम पकड़ा, पति ने जमानत करवा दी? होता है सर कभी कभार, लेकिन फिर इनको सुझाती है आपके। तो मैम प्लीज आप बताओगे कि क्या करना चाहिए, जो सब रीजन होते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, तो आप नहीं बताना शूटिंग हो रही है। मम्मी सीरियसली बताने लग गई, आप उसमें ऐसा कर लिया करो। मम्मा कह रही घी थोड़ा ज्यादा डाला करो, है हाँ। ना, और पानी का मात्रा जो होती है ढाई गुना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल जी। हेलो सर। हाय अर्चना जी। हाय मास्टर शेफ। मेरा नाम नीरज पारेख है और मैं लंदन से आया हूँ। वेलकम नीरज। और आपके जैसे मैं भी शादीशुदा हूँ। शादी के पहले मैंने बीवी को बोल दिया था कि मैं घर के कोई काम नहीं करूँगा, स्पेशली खाना तो बनाऊंगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम लंदन शिफ्ट हो गए तो डेली बीवी ताने मारती रहती कि कुछ तो मेरे लिए बना, कुछ तो मेरे लिए बना। तो मैं आप लोगों की वीडियोस देखकर मैंने बहुत कोशिश की कुछ बनाने की। तो ये आप, आपकी वाइफ है? हेलो नमस्ते जी। हेलो एवरीवन, आई एम जानकी हिज वाइफ। मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ शादी के वक्त उसने बोला था कि कुछ भी काम नहीं करूँगा, खाना नहीं बनाऊंगा, पर मैं बोलती हूँ इतने साल हो गए शादी के और दोनों ही वर्किंग है, तो एटलीस्ट हस्बैंड्स वीकेंड को तो खाना बना के खिला सकते हैं ना। बिल्कुल तो बनाना चाहिए हर रोज, वीकेंड क्यों मांगती है? हाँ। फिर डिस्काउंट करते करते वीकेंड पे पहुंचेगा। फिर यहाँ पे और हर रोज बना कहता अच्छा वीकेंड पे बना दूंगा, तू मांग के दो दिन रह गया। सर लेकिन एक दिक्कत है, मुझे चक्कू पकड़ने से डर लगता है, मुझे वो गरम तवा रहता है तो उससे डर लगता है। तो शादी से नहीं लगा था वो तो करके लंदन में निकल गए फटाफट। सबसे खतरनाक चीज एक्सेप्ट कर ली, तवे से डर लगता है। सर तो कोई ऐसी रेसिपी बताए जिसमें चाकू ना यूज करना पड़े या गैस चालू करना ना पड़े। तो कच्चा आटा खा लिया करो। मछली बन जा, मछली कच्चा आटा खा लेती है। नहीं सर वेजिटेरियन है तो। मछली जैसा बन जा। अच्छा, मछली मछली जैसा बन जा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सर और एक चीज कहना चाहूंगा, हम 4 साल पहले मूव हुए लंदन में। अच्छा, सबसे पहली चीज जो हमने की है वो कपिल शर्मा शो देखी है। क्या अच्छा जी। और तब से लेके अब तक हम हमेशा रिपीट में भी कपिल शर्मा शो देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम फैमिली के साथ है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि हम दूसरे देश में है। तो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। और कोई हमारे भाई बंधु मित्र? जी मैडम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। हेलो मैम। हाय। हेलो ऑल मास्टर शेफ। हाय। मैं जिस तरह से द कपिल शर्मा शो की फैन हूँ उसी तरह से चाय की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी। तो मेरा एक बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ हर बार चाय का टेस्ट अलग 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 बनता है। बिल्कुल। और चाहे मैं एक बार बना के 15 सेकंड बाद भी बनाऊंगी तो भी अलग ही बनता है, इसका रीजन नहीं समझ में आया। एक ही बार में 1000 लीटर बना के रख लो। होता है ऐसे, क्यों होता है? पाजी कुकिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ी साइंस है। आप अगली बार जब चाय बनाना सबकी हर चीज की मिनती करें। ओके okay. ठीक है, और मिनट चेक करें और वे करें, आपकी कभी चाय अलग नहीं बनेगी। पॉसिबल नहीं। डिपेंडिंग, आप जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ पे शेफ होके बोल रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लो, गैस भी स्टैंडर्डाइज कर लो, पैन भी स्टैंडर्डाइज कर लो, चीजें भी गिन लो, सेम नहीं होनी। जैसा मूड वैसी चाय। बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। मेरे से ना बचपन में मेरी मम्मी ने बड़ी चाय बनवाई है। मम्मी का बीच में ऑपरेशन हुआ था तो मम्मी बेचारी बेड रिडन थी, तो ये मुझे हमेशा बोलती थी एक कप ए पालमी
इतना दूध पालवी मतलब अमृतसर में जैसे लोग पीते हैं हाँ। पर वो मुझे अभी तक याद है, पता है, मुझे भूली नहीं है। मैं फिर एक बार ट्राई करके देखूं अगर बनी मम्मी वैसी तो। पर चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे विकास के बारे में, हमने एक चीज प्रूव कर दी, शादियां तोड़वाने वाली। अभी मैं लंबाई ऊंचाई वाली चीज प्रूव करूं, विकास के नीचे क्या है देखो। विकास ने वहां पे देख लिया, रणवीर ऊंचा लग रहा है, पहले मैं नीचे गद्दी रख लेता हूं। खड़ा हो। ये इसको ना एक आंटी जानती है, आंटी के बाद मैं जानता हूँ। चुपचाप इसने साइड से देखा गरिमा के, तुम्हें रणवीर ऊंचा लग रहा है, रुको मैं नीचे पहले गद्दी बैठ। हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी हाइटी कॉम्पिटिशन। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुपमा, आई केम फ्रॉम असम। क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। असम में कहां से आप? सो मच, गुवाहाटी। गुवाहाटी, या थोड़ी चाय ले आती मैडम के लिए? हां, असम में बहुत अच्छी चाय मिलती है, श्योरली आई विल ड्रिंक फॉर यू। सो मेरे सिस्टर की प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे जीजाजी है जो काफी खराटे लेते हैं, लेकिन जब चना और छोले या फिर कुछ चने से रिलेटेड कुछ भी खाते हैं, खराटे कहीं और से लेते हैं, फिर फाटिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, उनके खराटे बढ़ जाते हैं, मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू स्लीप आल्सो। तो ऐसा कुछ फूड रिलेटेड, मतलब आप कुछ एडवाइस दे दीदी सकते हैं? जो जीजा बदल गरिमा जवाब दे सकती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत खराटे मारते हैं, तो हम पता क्या करते हैं, उनको गेस्ट रूम में भेज देते हैं। आप भी यही कर लो। नहीं, वैसे एक्चुअली एक सोल्यूशन और है कि जहाँ पे कपड़े टांगते ना वहाँ पे चिटकनी लेके नाक पे लगा। अनुपमा, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों मास्टर शेफ के लिए। बाजी आइए, विकास बाजी, गरिमा, रणवीर बाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब भी आप आते हो बड़ा मजा आता है हमेशा, और अच्छे खाने की बात तो होती है, आप जो हेल्थ टिप्स भी देके जाते हैं हमारे दर्शकों को, बड़े लाजवाब होते हैं। थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा लोग इंतजार करते हैं मास्टर शेफ का और बड़ा मजा आता है देख के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और टीवी पे हमारा शो देख रहे तमाम दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.